बड़ी खबर शिवपुर से, जहां एक बार फिर अपराधियों के घरों पर चला मामा का बुलडोजर। ये मामला हिरणीखेड़ा गांव का है, जहां पर तीन अपराधियों ने गांव के एक व्यक्ति पर एसिड फेंक कर उसे मारने की कोशिश की। उसको लेकर मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके मकानों को निस्तेनाबूद किया। एक बार फिर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होते हुए पूरा पुलिस बल राजस्व अमले के साथ मिलकर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्होंने बता दिया कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और इस केस में तीनों अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। तरह से आज इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो क्या प्रशासन ने ये सही निर्णय लिया है? सर्वप्रथम तो मैं जिला प्रशासन को और पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जिस प्रकार रात को इन आरोपियों के द्वारा जो घटनाक्रम किया गया, जो मेरे गाँव का एक निवासी था सीताराम मीणा, उसके ऊपर एसिड से अटैक कर उसको जिंदा मारने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा, लेकिन सही समय पे उसका पुत्र आने के कारण आज उसकी जान हम बचा पाए। और रात्रि को जब एसपी साहब आए और खुद स्पॉट पर आए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार एसपी साहब का रवैया रहा और पूरा जिला प्रशासन का रवैया रहा कि आरोपियों को शीघ्र हम गिरफ्तार करें, और उसके दो घंटे बाद ही एसपी साहब के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया और एक जो व्यक्ति था तीसरा आरोपी उसको सुबह उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगभग तीन आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की हिरासत में है, तो इसके बाद में कितने आरोपी और बच रहे हैं? कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया था? किस तरह से घटना को अंजाम दिया था? घटना स्थल पर आप पहुंचे थे मौके पर, या किस तरह की सूत्रों के हवाले से आपके पास जानकारियां आ रही है? जब हम लोग गाँव में थे, गाँव में लोगों ने सूचना दी कि इस प्रकार का मामला हुआ, तो हम लोग तुरंत पूरे गाँव के लोग बाइकें लेके मोटरसाइकिल जीवे लेके हम खेतों पे पहुंचे और खेतों पे चारों तरफ से हमने घेराबंदी की। और जिस प्रकार उस एक आरोपी के घर पे हम रात को भी पहुंचे थे, उससे हमने पूछताछ की तो वो गुमराह कर रहा था हम लोगों को, पर लेकिन हम लोगों को उस पर शक था कि कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है। और जिला प्रशासन ने जिस प्रकार उसको उठाया और उससे पूछताछ की और उसने कबूल किया कि हाँ हम लोगों ने किया है। मैं धन्यवाद। जिस तरह से मीडिया ने अभी तक सर्वे किया है, तो लोगों का कुछ कहना है कि ये पहले से आदतन अपराधी थे, लगातार इनका आतंक इन्होंने कई घटनाएं की, इन्होंने पहले भी कई घटनाएं की। एक मेरे पहले भी हमारे गांव में पकड़ा हुआ आए थे, एक मोटर चोरी की तीन लोगों ने, उस मोटर की जो हमने कार्रवाई इन लोगों पे आवेदन दिया पुलिस थाने में, तो इन्होंने कबूल किया कि हमने वो मोटर निकाली। कई बार हिरण का शिकार करने ये लोग जाते थे, रात्रि को 12-12 एक एक 2-2 बजे हिरणों का शिकार करने वहां जाते थे, लेकिन मैं आज जिला प्रशासन को पुण्य पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज गांव के लोग और आसपास के एरिया के लोग चैन से सो सकेंगे, ये सब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पुण्य, थैंक यू। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और मकानों की वो ध्वस्त किया है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता को जो चैन से नहीं सोने देगा उसको हम चैन से नहीं जीने देंगे। कल जिस किसान के साथ एसिड डालकर उसको मारने की कोशिश की गई, उन अपराधियों के ऊपर आज ये कार्रवाई की है, और इस प्रकार का अपराधी कोई भी कृत्य करेगा, कोई भी अपराधी होगा, इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर मध्य प्रदेश में चलती रहेगी। क्या आगे भी चलती रहेंगे? बिल्कुल, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश के लिए, अपराध मुक्त शिवपुर के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कितनी भी बार करानी पड़े तो कराएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये गलत कार्रवाई है, इस तरह से मतलब परिवार वालों को सजा नहीं देना चाहिए, लोगों का ये कहना है। देखिए, उन लोगों की वजह से कितने सैकड़ों परिवार परेशान रहे होंगे, हम एक महीने से देखते आ रहे हैं, लोग सो नहीं रहे। मैंने देखा रात्रि के समय कार्यक्रमों में जाते थे तो 9 बजे बाद मोटरसाइकिलों का जाना आना बंद हो गया था, लोग अपनी रिश्तेदारी नातेदारियों में दिन में जाते थे, तो उन लोगों के कारण